हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत लोगों को पसंद है और उसके बारे में जानकारी भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये जनरली हमारा प्रिपरेटरी से रिलेटेड, मतलब टेक्सटाइल का समझ लीजिए कि एक तरीके से वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट। मतलब जो हमारा H2O2 ब्लीचिंग एजेंट है वो कैसा ब्लीचिंग एजेंट है, किस तरीके से काम करता है, कैसा उसका बिहेवियर है, किन किन फाइबर्स के लिए वो काम करता है, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस। लिखा हुआ है हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट। ये हमारा जो ब्लीचिंग एजेंट है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट है। ये क्या करता है कि इसमें जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है, मतलब इससे जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो ऑक्सीजन जाकर हमारे जो कलरिंग मैटर्स होते हैं, जो हमारे स्कोरिंग के बाद, हमारा जो फैब्रिक स्कोरिंग के बाद वाइट करने के लिए आता है, उस कलरिंग मैटर के साथ जाकर रिएक्ट करता है और उस कलरिंग मैटर को डिकम्पोज करता है। जब डिकम्पोज करेगा और उसको हम धुल देंगे तो वो जो कलरिंग मैटर वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। गॉट इट। तो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट जो होता है, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट जनरली ये परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे अगर आपने पिछले किसी प्रीवियस स्टेजेस पे अगर मिस्टेक किया होगा तो इसमें भी डिफॉल्ट आते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके मैन्युफैक्चरिंग के। एक्चुअल में हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे बनता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ऐसे टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये टेक्सटाइल के मतलब मेन कंपोनेंट्स है। जनरली लोग इंटरव्यू में ये सारी चीजें पूछते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऐसा क्या है जो कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर में नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, बट आपको पता होना चाहिए और हर एक चीज को थोड़े थोड़े क्वांटिटी में लिखने की कोशिश किया करिए। मैंने एक बोर्ड पे इतना चीजें लिखा है तो आप तो कॉपी पे लिख ही सकते हैं। ओके, बात करते हैं सबसे पहले चीज इसका मैन्युफैक्चरिंग। जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, सबसे पहले जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग हुआ था हाइड्रोजन परऑक्साइड जब सबसे पहले बना था, तो वो बना था हमारा बैरियम ऑक्साइड। बैरियम ऑक्साइड के जो रिएक्शन है वो हमने एयर में किया था, मतलब गर्म हवा में किया था, गर्म मतलब टेम्परेचर दे के किया था, और वो टेम्परेचर कितना था, 400 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे बेरियम डाइऑक्साइड बना था। अब ये जो बेरियम डाइऑक्साइड है इसको हम क्रिया करवाए थे किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के, मतलब रिएक्शन करवाया था किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब हमने इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारा बेरियम सल्फेट और हमारा यहाँ पे बना H2O2। ये हमारा H2O2 है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो स्टेबिलिटी है, वो बहुत कमजोर थी, मतलब जल्दी खराब हो जाता था। तो इसको और ज्यादा डिटेल बनाया गया, और इस पर काम किया गया। जब इस पर काम किया गया तो इसकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। कहीं कहीं 2 दिन के लिए था, फिर हफ्ते के लिए हो गया, फिर 1 से 2 साल के लिए हो गया। तो स्टेबिलिटी बढ़ती गई जब से हम नया बनाने लगे। अब ये तो हमारा पुराना मेथड था H2O2 बनाने का, लेकिन अब जो हमारा नया मेथड है वो बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने उसको बनाया है, बट हमें इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें बस मेन मेन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। तो मैंने मेन टॉपिक्स लिखा। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी टॉप मतलब क्वेश्चन इसमें चाहिए तो आप मेरे को कमेंट जरूर करिएगा। बात करते हैं यहां पर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% सल्फ्यूरिक एसिड बाय डिस्टिलेशन इन वैक्यूम। मतलब जब हम नए इसका इंक्रीमेंट करते गए, तो इंक्रीमेंट करने के साथ हमने ये देखा कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, 50% के सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते जाते हैं, डिस्टिलेशन करते जाते हैं वैक्यूम में, जहां पर एयर प्रेजेंट ना हो, तो वहां पर हमें कुछ प्रोसेस के बाद हमें H2O2 प्रोवाइड्स होता है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत थोड़ी सी स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होती है। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट भी बोलते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारा ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट है। कहीं कहीं जब साइंटिस्ट ने इसका नाम जब स्टार्ट किया था तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की जगह इन्होंने बोला था ऑक्सीजनेटेड वाटर। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज ऑक्सीजनेटेड वाटर, तो आपको पता होना चाहिए। लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि विच इज यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट, विच इज ऑक्सीजनेटेड वाटर, क्या है ये, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ओके, मैन्युफैक्चरिंग हमने देख लिया। अब बात करते हैं सबसे पहले जो मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि स्ट्रेंथ, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्ट्रेंथ होती है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर हम ज्यादा टाइम तक रख देंगे ना, तो वो कमजोर हो जाएगा। जो उसकी स्टेबिलिटी होती है, जो उसके काम करने की क्षमता होती है, वो कम हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम किस में नापते हैं, वैल्यूम में नापते हैं। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, वैल्यूम में नापते हैं। अगर मैं इस पे एक छोटी सी टॉपिक बना के लाऊंगा, वैल्यूम को कैसे मेजर में करते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा, बट आप इतना याद रखिए कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम किस में नापते हैं, वैल्यूम में नापते हैं। उसकी स्ट्रेंथ को किस में नापते हैं, वैल्यूम में। ओके, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने लिख दिया कि 10 वैल्यूम, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड मेरे पास 10 वैल्यूम का है और एक हाइड्रोजन परऑक्साइड मेरा 100 वैल्यूम का है,
तो कौन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा, तो हाइड्रोजन 100 वॉल्यूम वाला जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी हाई होगी, ओके, एज कंपेयर टू 10 वॉल्यूम। ओके, बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है यहाँ पर एक नया टॉपिक का, आपका मैन्युफैक्चरिंग मैंने बता दिया, अब इसके बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। H2O2 के बारे में हमें जानना पड़ेगा, अब हमें जरूरी है कि H2O2 के बारे में जानना, क्यों, क्योंकि अब उसके बारे में नहीं जानेंगे तो उसके प्रोसेस को कैसे करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहली चीज प्रॉपर्टीज ऑफ H2O में मैंने लिखा हुआ है प्योर H2O2 इज अ क्लियर लिक्विड। जो हमारा प्योर H2O2 होता है ना वो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, पानी की तरह दिखता है, पानी की तरह। लेकिन कब पानी की तरह दिखेगा, जब आप उसको थोड़े अमाउंट में लेंगे, थोड़े से बर्तन में लिया तो आपको पानी की तरह दिखेगा। लेकिन अगर वो बल्क में है, 1-2 लीटर है, बहुत ज्यादा बल्क में है और छोटे से कंटेनर में अगर आपने रखा है तो उसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लूइश दिखेगा, ब्लूइश मतलब थोड़ा सा नीलापन दिखेगा, थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप दिखेगा, ब्लूइश कलर आता है, क्लियर। तो ये चीजें आपको जानना पड़ेगा। क्या पता आप जैसे मान लीजिए आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि नहीं वो H2O2 है कि वाटर है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, सारी चीजें जानी है, छोटी छोटी चीजें जो कि आपको किस लेवल से कहां तक ले जा सकती है आप ये समझ नहीं सकते। आप अगर छोटी छोटी टॉपिक्स भी अगर याद रख लेंगे ना तो आपका लेवल जो होगा वो ना औरों से बहुत हाई हो सकता है। ओके, तो अपने आपको इंक्रीमेंट करिए, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। ओके, बात करते हैं इसके बाद। लिखा हुआ है प्योर H2O2 इज अ फेयरली स्टेबल फॉर सेवरल वीक्स इफ स्टोर्ड अवे फ्रॉम द सनलाइट। देखिए H2O2 की एक खासियत है, H2O2 को अगर आपने धूप में रखा, धूप या किसी बॉटल में, ऐसे बॉटल में रखा जहां पर धूप लग रही हो, तो उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। क्यों कमजोर होती है वो मैं आगे बताऊंगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें जो H2O2 होता है उसको ब्लैक बॉटल में रखिए, ये प्रिफरेबल होता है, और धूप से दूर रखिए, ये भी प्रिफरेबल होता है। उसको जितना हो सके टेम्परेचर कम दीजिए, कम टेम्परेचर में रखेंगे तो और अच्छी बात है, क्लियर है। तो सेवरल वीक्स के लिए चल जाता है, जैसे अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर में रखें, अगर हमारा टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस है तो लगभग वो 1-2 हफ्ते तक चलेगा, बढ़िया बढ़िया से उसकी स्टेबिलिटी रहेगी। ओके, बात करते हैं आगे। इन कॉन्टैक्ट विथ रफ सरफेस और हैवी मेटल्स ऑफ एल और एल्कलाइज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन कॉन्टैक्ट विथ रफ सरफेस, किसी ऐसे बॉटल में नहीं रखना है, ऐसे मेटल के बॉटल में नहीं रखना है, मेटल का बॉटल है या फिर स्टील का बर्तन है, इन सब चीजों में नहीं रखना है। हैवी मेटल्स के साथ उनका कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब जो हमारे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, इन सब मेटल्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्कलीज, एल्कलीज से भी दूर रखना है। देखिए तीन चीजों से दूर रखना है, सबसे पहले तो रफ सरफेस के बॉटल से, रफ सरफेस का बॉटल का मतलब है कि ऐसा बॉटल्स या फिर ऐसे वेसल्स जिसके अंदर रफ सरफेस हो, चीनी मिट्टी के बर्तन में रह सकते, इन सारी चीजों में नहीं रखना है। हैवी मेटल्स का मतलब आपको H2O2 को ऐसे रखना है कि जो मेटालिक सब्सटेंसेस से रिएक्ट ना करे। अगर हमारा H2O2 मेटालिक सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। स्ट्रेंथ कमजोर होने का मैं बार बार क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ उसको भी समझ लेते, बार बार हमें याद करना पड़ रहा है। देखिए जो हमारा H2O2 है ना, ये जनरली हमारा ऑक्सीजन रिलीज करता है, कौन सा, नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन हमारा जो ये नेसेंट ऑक्सीजन है, मतलब ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऑक्सीजन ये रिलीज करता है, जब ऑक्सीजन जब इसको गर्म करेंगे ना तो ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब ये जब ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो यही ऑक्सीजन हमारा ब्लीचिंग के लिए प्रिफरेबल होता है, मतलब यही ऑक्सीजन हमारे कपड़े पर ब्लीचिंग करता है। अब ये जो ऑक्सीजन है, अगर इस ऑक्सीजन को अगर H2O2 को आपने गर्म कर दिया, मतलब टेम्परेचर दे दिया, मतलब मान लो धूप में रख दिया, धूप में रखेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन आपका रिलीज हो जाएगा। अब जो ऑक्सीजन बचा के रखना था वो रिलीज हो गया पहले ही, तो जब आप ब्लीचिंग करेंगे तो वो तो ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखते जाइए रफ सरफेस मतलब हमेशा जब किसी भी सरफेस पर रगड़न होती है, जब सरफेस हमारा रगड़ा जाएगा तो उसमें एनर्जी जनरेट होगा, जब एनर्जी जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसके मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएंगे फिर ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। हैवी मेटल्स मेटल के साथ रिएक्ट करके ये कोरोसिव हो जाता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है कि हमारे ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। एल्कलाइन मीडियम में H2O2 एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये याद रखिएगा क्योंकि हमें आगे पढ़ना है। H2O2 जो हमारा एल्कलाइन मीडियम होता है उसमें ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है। चीजों को ध्यान दीजिएगा, अगर आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों को अगर समझ लेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है इन सब चीजों में। ओके, देखिए इन कॉन्टैक्ट विथ रफ सरफेस के बॉटल में नहीं रखते, इसको प्लेन सरफेस के ब्लैक बॉटल में रखा जाता है। हैवी मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करवाना है, एल्कलाइन के साथ रिएक्ट नहीं करवाना है। देखिए लिखा हुआ है इट डिकम्पोज विद द लिब्रेशन, लिब्रेशन का मतलब होता है लिबरेट होना, निकलना। लिबरेट का मतलब होता है निकलना ऑफ ऑक्सीजन। कहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, H2O2 से हमारा ऑक्सीजन लिबरेट होगा, निकलेगा, और निकलेगा तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज मतलब धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कमजोर होती जाएगी। ओके, आगे चलते हैं।
दे आर मोर स्टेबल इन सल्फ्यूरिक एंड फॉस्फेरिक एसिड। देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब हमने बेरियम डाइऑक्साइड को जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया था तो हमारा H2O2 मिला था, तो क्या इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड गायब हो गया? क्या नहीं, हमारा बेरियम जो हमारा जो H2O2 है ये हमारा स्टेबल होता है अगर हम उसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे। तो लोग पूछते हैं कि हमारे H2O2 को किस मीडियम में रखेंगे कि वो स्टेबल रहेगा। स्टेबल का मतलब अपना स्ट्रेंथ नहीं खोएगा। तो आपको बोलना पड़ेगा कि जब हम H2O2 को एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो हमारा जो स्ट्रेंथ है उसका वीक नहीं होता। स्ट्रेंथ मतलब उसका वैल्यूम नहीं घटता, उसकी स्ट्रेंथ कमजोर नहीं होती, मतलब उसमें से ऑक्सीजन अपने आप नहीं निकलता। किस मीडियम में रखने पर? एसिडिक मीडियम में रखने पर। आप यहाँ पे लिख लीजिए एसिडिक मीडियम में रखने पर हमारा जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर नहीं होता। किसका? H2O2 का। अब ये कौन सा एसिड रखते हैं? देखिए सल्फ्यूरिक एसिड भी रखते हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी रखते हैं। अच्छा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहाँ पर हमने क्या करवाया था, हमें ये मिला, हमने कहीं ना कहीं फॉस्फोरिक एसिड से भी रिएक्ट करवाया होगा तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी आई होगी तो हम फॉस्फोरिक एसिड ले लिए। सिंपल सी बात है, बस आपको याद रखना है दे आर मोर स्टेबल इन सल्फ्यूरिक एंड फॉस्फोरिक एसिड, मतलब जो हमारा H2O2 है वो एसिडिक मीडियम में स्टेबल रहता है। गॉट इट? आगे चलते हैं। डिकम्पोज रैपिडली एट एबव 85 डिग्री सेल्सियस। देखिए H2O2 की खासियत यह है ना, H2O2 की खासियत यह भी है कि अगर आपने इसका टेम्परेचर 80 से ऊपर ले गए, अगर आप इसका टेम्परेचर 80 से 85 तक ले गए तो इसका जो डिग्रेडेशन है, डिकम्पोजिशन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब H2O2 क्या होता है, H2O2 बोलता है कि भाई अगर मेरे को टेम्परेचर दोगे तो मैं ऑक्सीजन रिलीज करूंगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो भाई बात यह है ना कि जब हम ब्लीचिंग करते हैं तो H2O2 को जब हम डालते हैं तो उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसी टाइम हम देखते हैं कि ब्लीचिंग जो होता है वो लगभग 80 से 85 डिग्री सेल्सियस के बाद ब्लीचिंग प्रोसेस अच्छे से स्टार्ट होता है, क्योंकि उसी टाइम ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिलीज होता है। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिकम्पोज रैपिडली, मतलब तेजी से ऑक्सीजन निकलता है एट एबव 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब जब हम H2O2 का 85 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर एबव कर देंगे तो हमारा जो डिकम्पोजिशन मतलब ऑक्सीजन है वो बहुत तेजी के साथ रिलीज होगा। ओके गॉट इट? अब आगे लिखा हुआ है द टेक्सटाइल ब्लीचिंग स्ट्रेंथ आर कॉमनली 27.5% और 35%। मतलब कि हमारा जो टेक्सटाइल में यूज होता है H2O2 की स्ट्रेंथ जो होती है वो 27.5% से 35, ये और ये आइए दोनों में से कोई भी यूज करिए, 27.5% वाला या 35% वाला, टेक्सटाइल में जनरली यही यूज होता है। क्लियर? ये जो 33, 35, 35, ये 27.5% है और ये 35% है, ये मतलब 100 वैल्यूम के लगभग आता है 35%। चलिए ये सारी चीजें तो मैं आपको बताऊंगा। ओके बात करते हैं इसमें कौन कौन से केमिकल का यूज करते हैं, तो ये चीज समझ लेते हैं फिर उसके एडवांटेज देखेंगे। जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसमें जनरली क्या क्या चीजें यूज होती है केमिकल, देखिए ज्यादा केमिकल इसमें यूज नहीं होता। पहली चीज, जब ज्यादा केमिकल नहीं यूज होगा तो हमारा जो फाइबर है वो ज्यादा डिग्रेड नहीं होगा, खराब नहीं होगा तो हमारा फाइबर्स के लिए बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट हो जाएगा। इसीलिए तो इसको यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो फाइबर है फाइबर पर ये केमिकल्स ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे तो हमारा हार्मफुल नहीं होगा। चलिए आइए बात करते हैं केमिकल यूज। तो सबसे पहले तो हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम H2O2 यूज करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि हमारा यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट। दूसरा स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या होता है? लाइट वाइट कटती है तो हम लोग, आपके घर में अगर लाइट की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर चालू कर देते हैं, तो लाइट जितना जरूरत होता है उतना देता है ना, बस वही काम हमारा स्टेबलाइजर करता है। मान लीजिए जब आपने अपने बर्तन में वाटर लिया होगा, वाटर में हमारा क्या डाला होगा, H2O2। जब आपने वाटर के साथ H2O2 डाला होगा तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो तेजी के साथ ऑक्सीजन निकलेगा। अब पता चला कि जब तक आप फैब्रिक डाल रहे हो तब तक आधा ऑक्सीजन निकल गया, तो इस ऑक्सीजन को धीरे धीरे निकालने के लिए, इसके लिए क्या यूज करते हैं, स्टेबलाइजर यूज करते हैं। याद कर लीजिए क्या यूज करते हैं, स्टेबलाइजर यूज करते हैं। जनरली जो स्टेबलाइजर H2O2 में यूज होता है वो होता है सोडियम सिलिकेट। याद रखिए, बहुत लोगों को पूछा जाता है क्या यूज होता है स्टेबलाइजर H2O2 में, सोडियम सिलिकेट। क्या यूज होता है स्टेबलाइजर के रूप में, सोडियम सिलिकेट। जनरली सोडियम सिलिकेट सब में यूज होता है, बट कहीं कहीं सोडियम सिलिकेट भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक दे देता है, तो उसकी जगह भी हम फॉस्फेट वगैरह का यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, वेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। वेटिंग एजेंट किस लिए यूज करते हैं? वेटिंग एजेंट में हमारा TRO यूज कर सकते हैं,
या कोई सोप वगैरह भी यूज कर लेते हैं। सोप वगैरह क्यों यूज करते हैं ये चीजें बताऊंगा मैं। अच्छा, वेटिंग एजेंट में टीआरओ या फिर सोप भी यूज करते हैं क्या? वेटिंग एजेंट क्या करता है ना, कपड़े को जल्दी भिगोने का काम करता है। मतलब जो हमारा वाटर का जो सरफेस होता है उस पर एक टेंशन होता है, सरफेस टेंशन उसको बोलते हैं, तो उस टेंशन को खत्म करता है जिससे हमारा कपड़ा जल्दी भीग जाता है, तो हम वेटिंग एजेंट यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्कलाइन मीडियम रखे हैं, अल्कलीज यूज करते हैं। क्यों अल्कलीज यूज करते हैं? अल्कलीज हम यूज करते हैं सबसे पहले तो ये कि ऑक्सीजन को निकालने के लिए, हमारे H2O2 में से थोड़ा सा ऑक्सीजन निकले। अब ऑक्सीजन तेजी से ना निकले इसके लिए स्टेबलाइजर यूज करते हैं, मतलब एक तो निकालने के लिए और एक तेजी से ना निकले इसके लिए स्टेबलाइजर यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। और हमारा जो केमिकल, आप जानते हो कि H2O2 किस मीडियम में रखा जाता है? एसिडिक मीडियम में। अगर हम कॉटन को H2O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, आप जानते हो कि कॉटन देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर हम H2O2 को कॉटन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा जो कॉटन है वो खराब होने का चांसेस है, तो इसलिए हम क्या मिलाते हैं अल्कलाइन। अल्कलाइन क्या करता है, उस मीडियम को थोड़ा सा न्यूट्रल कर देता है। और ये जो पीएच है ना अल्कलाइन, जो हमारा पीएच है लगभग, ये जो हमारा मीडियम का पीएच है, मतलब जब हम H2O2 से ब्लीच करेंगे तो वो लगभग 10 से 11 तक पीएच पहुंचता है, 10 से 11 तक पीएच पहुंचता है। तो इन चीजों पे ध्यान, लेकिन ये 10 से 11 तक हमारा कॉटन में है और सारी चीजों में अलग अलग है, तो उन सारी चीजों का मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे कॉटन का मैं बता रहा हूँ ना। कहीं 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 8 और 9 में है। जैसे आप जाओगे तो हमारा वूल और सिल्क में 8 से 9 तक होता है और कॉटन में 10 से 11 तक होता है। तो चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं जितना लिख नहीं सकता उतना मैं ज्यादा बोलता हूँ, बोलने पर ध्यान दिया करिए और लिख लिया करिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए यार। 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट के वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, ये केमिकल यूज्ड होते हैं तो आप याद रखिएगा, H2O2 यूज करते हैं, स्टेबलाइजर में सोडियम सिलिकेट यूज करते हैं, वेटिंग एजेंट में टीआरओ या फिर सोप यूज कर सकते हैं। अल्कलाइन, अल्कलाइन में क्या यूज कर सकते हैं? अल्कलाइन में जनरली आपको ना सोडियम कार्बोनेट सोडा एस ये सब यूज कर सकते हैं, हल्का मीडियम होता है, ज्यादा नहीं लेना है। ओके, बात करते हैं यहां चीजें, ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। क्यों है, क्यों ऐसा है कि हमें एडवांटेजेस, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। H2O2 को क्यों हम यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं, क्या एडवांटेजेस है इसके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि हमारा जो एडवांटेजेस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट, हमारा जो H2O2 है वो यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है, मतलब लगभग हर फाइबर्स के लिए प्रिफरेबल है, हर फाइबर्स के लिए प्रिफरेबल है। हाँ, जनरली हम क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स पर इसका यूज नहीं करते, बट क्यों नहीं यूज करते, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है कि पॉलिस्टर जो है ना, इस पर ज्यादा ब्लीचिंग इफेक्ट नहीं दिखाता, जिसकी वजह से हम पॉलिस्टर और इसको ब्लीच नहीं करते, हाइपोक्लोराइड से ब्लीच करते उधर, वो मैं बताऊंगा बाद में, छोड़िए जान दीजिए, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा ना हाइपोक्लोराइड और हाइपोक्लोराइड से रिलेटेड ब्लीचिंग और सोडियम वाला, तो वो मैं बताऊंगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें भाई, रटना ही नहीं है, बस समझने वाली बात है। ओके, हाई ब्लीचिंग एट रीजनेबल कॉस्ट, भाई साहब इसकी जो कॉस्ट होती है उतना महंगा नहीं होता, और उतना महंगा ना होने के साथ साथ इसकी जो ब्लीचिंग इफेक्ट है वो बहुत क्लियर आती है, मतलब बहुत अच्छे से दिखता है, बहुत अच्छे से चमक आती है, मतलब ब्लीचिंग बहुत अच्छे से होता है, क्लियर। अच्छा, परऑक्साइड कीज द फाइबर क्वालिटी इंटैक्ट, ये जो परऑक्साइड है, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड को बहुत लोग परऑक्साइड भी बोलते, तो आप लोग समझ जाइएगा परऑक्साइड ना, हाँ याद रखिएगा। तो हमारा जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है कीज द फाइबर क्वालिटी इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब हमारे फाइबर्स क्वालिटी को कम नहीं करता है, मतलब हमारा जो कॉटन के फाइबर है या कॉटन का फाइबर है या वूल का फाइबर है या सिल्क का फाइबर है उसको डैमेज नहीं करता, उसको डैमेज करने का काम ये नहीं करता, क्लियर है, याद रखिएगा। मतलब हमारा कपड़ा डैमेज कम होता है से हाइड्रोजन परऑक्साइड से, यही अगर कंपेयर करें हाइपोक्लोराइड जैसे ब्लीचिंग पाउडर से तो वो उसमें ज्यादा खतरा होता है। कोरोजन ऑफ स्टेनलेस स्टील इक्विपमेंट नॉट अकर, अगर जनरली देखिए कोरोजन तो होता है, बहुत कम है कोरोजन होता है इस कंडीशन में, ब्लीचिंग एजेंट जो हमारा H2O2 है उसमें कोरोजन, मतलब जो हमारा बर्तन होता है बर्तन पे रस्ट लग जाना, बर्तन पे छेद हो जाना, मतलब हमारा बर्तन भी खराब हो जाता है, तो ऐसा H2O2 में नहीं होता एज अ कंपेयर टू ब्लीचिंग पाउडर और ये सब चीजों में, H2O2 में ऐसा नहीं होता। कोरोजन का मतलब है कि जो बर्तन है वो भी खराब हो जाना, उसमें रस्ट लग जाना, उसमें नीचे देखेंगे तो नीचे बैठ जाएगा, दाग की तरह हो जाएगा, कालापन हो जाएगा, तो ये सारी चीजें हमारा H2O2 में देखने को नहीं मिलता है। देयर इज, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, चीजों पर ध्यान दीजिएगा। देयर इज जनरली लो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, वाटर इज रिक्वायर्ड ना, तो देयर इज जनरली लो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, मतलब इस H2O2 ब्लीचिंग एजेंट के लिए कम क्वांटिटी वाटर का रिक्वायर्ड होता है, जबकि अगर हम ब्लीचिंग पाउडर से करेंगे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी रिक्वायर्ड होता है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो मैं बताऊंगा, बट मैं कंपेयर थोड़ा कर दे रहा हूँ उससे। देयर इज जनरली लो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, हम कम क्वांटिटी का वाटर यहाँ पे रिक्वायर्ड करते हैं। H2O2 has excellent storage ability, देखिए H2O2 जो होता है उसकी स्टोरेज एबिलिटी डिपेंड करती है आप कैसे रख रहे हैं, चीजों को ध्यान दीजिएगा।
H2O2 has excellent storage ability. Storage ability पे डिपेंड करता, आप पे, आपके ऊपर डिपेंड करता. अब मान लीजिए कि आपने क्या किया कि आपने जो बॉटल में आपका H2O2 रखा हुआ है उसको आपने क्या किया कि भाई धूप में रख दिया. अब धूप में रख गया तो उसकी स्टेबिलिटी खत्म खत्म हो जाएगी. अब आपने उसको ठंडा करके रखा है. देखिए जनरली जो होता है ना, अगर आप अपने H2O2 को, अगर मान लीजिए आपका 35% का अगर H2O2 है तो उसको 20 से अगर 25% डिग्री सेल्सियस तक रखें, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे तो वो लगभग एक से दो साल तक चलेगा, स्टेबिलिटी उसकी बनी रहेगी. तो चीजों पे ध्यान दीजिएगा. टेम्परेचर आपका बहुत मेंटेन करता है, टेम्परेचर ध्यान रखिएगा. अगर टेम्परेचर कम होगा तो आपका स्टेबिलिटी अच्छे से रहेगा. क्लियर. H2O2 is compatible with OBA. OBA क्या है? What is OBA? Optical brightening agent. Optical brightening agent. Optical OPTICAL brightening agent. अच्छा ये क्या है? ये actual में क्या है ना? आपने देखा होगा कि जब मम्मी हमारे कपड़े को नील से डालती है, नील जब डालती है तो एक येलो कलर का कंपोनेंट आता है, उससे क्या होता है ना, कपड़े की चमक बढ़ जाती है. कपड़े की क्या होती है? चमक बढ़ जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ. आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक वाइट पेज है, आप देख सकते हैं इसमें और इसमें देयर आर मैनी डिफरेंस है, दोनों वाइट, बट ये और ये में डिफरेंस है. तो ये हमारा ब्लीचिंग है, देखिए ये हमारा ब्लीचिंग है, ये हमारा ब्लीचिंग है और ये हमारा ऑप्टिकल ब्राइटनिंग है. तो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग क्या करता है कि हमारे कपड़े को और ज्यादा ब्राइट कर देता है. तो H2O2 का ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कि कपड़ा ये नहीं है कि भाई हम H2O2 मना करेंगे, नहीं भाई हम तुमको करने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं. H2O2 के बाद अगर हम ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट कर देंगे तो कपड़े की चमक और बढ़ जाएगी और कपड़ा व्हाइट दिखेगा और चमकेगा, अच्छा दिखेगा. क्लियर. इट प्रोड्यूस ड्यूरेबल व्हाइटनेस विद गुड ऑब्जर्वेंसी. हमारा जो H2O2 है वो ड्यूरेबल व्हाइटनेस प्रोवाइड करता है. ड्यूरेबल मतलब कि एक परमानेंट तरीके से व्हाइटनेस प्रोवाइड कर देता है कि भाई लो ले जाओ कपड़ा, तुम्हारा सफेद का सफेद रहेगा. विथ गुड एब्जॉर्बेंसी. अब H2O2 की खासियत यह है कि इसमें एब्जॉर्बेंसी भी बढ़ जाती है, कपड़े की एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है, कपड़ा बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होने लगा, मतलब कपड़े में कोई भी केमिकल बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होने लगा, डाई एब्जॉर्ब होने लगा. जब डाई एब्जॉर्ब होगा तो आपका कपड़ा अच्छे से डाई हो जाएगा. क्लियर. ये भी क्लियर हो गया. ओके आगे देखते हैं. इट इन्वॉल्व्स लो रिस्क ऑफ केमिकल डैमेज ऑफ कॉटन. अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर केमिकल हम यूज करेंगे कम तो हमारा कॉटन भी डैमेज होने के चांसेस कम है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स लो रिस्क, कम रिस्क होता है ऑफ केमिकल डैमेज ऑफ कॉटन, कॉटन के डैमेज होने का. सुपीरियर फास्टनेस कैन बी अचीव्ड बाय द H2O2. देखिए H2O2 की खासियत एक और है, वो ये है कि अब जो हमारा H2O2 है ना वो हमारे फैब्रिक की फास्टनेस प्रॉपर्टीज को भी इंप्रूव कर देता है. फास्टनेस प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने का मतलब कि कपड़े में जो कलर आता है उस कलर को बाहर जल्दी निकलने नहीं देता. ये एनालाइज किया गया है H2O2 के साथ. तो यहाँ पे लिखा है सुपीरियर फास्टनेस कैन बी अचीव्ड बाय द H2O2. H2O2 के थ्रू हम कपड़े को, कपड़े की जो फास्टनेस प्रॉपर्टी होती है वो इंप्रूव हो जाती है. आगे लिखा है लो टेंडेंसी ऑफ येलोइंग. देखिए एक मैं बात बताऊं, अगर इतनी सारी खासियत है तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी तो डैमेजेस होंगी, थोड़ी सी तो खामियां होंगी. तो यहाँ पर है लेकिन बहुत कम है. लो टेंडेंसी ऑफ येलोइंग मतलब कपड़ा का पीला होने का चांसेस बहुत कम है. अब ये कपड़े का पीला होने का चांसेस पता है किस पर है? H2O2 पर मैं नहीं देता, मैं देता हूँ अपने स्कोरिंग पे. अगर मान लीजिए आपने स्कोरिंग अच्छे से नहीं किया, अगर आप स्कोरिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो जब हम ब्लीचिंग अच्छे से कर देंगे, ब्लीचिंग करने के बाद हमारा कपड़ा तो व्हाइट हो जाएगा लेकिन कुछ टाइम रखने के बाद वो क्या हो जाता है, पीलापन हो जाता है. पीलापन होता है इस वजह से कि जो भी हमारे कपड़े में जो हमने स्कोरिंग किया था, स्कोरिंग मतलब आप जानते हैं इंप्योरिटीज को रिमूव करना, तो जब हमने स्कोरिंग किया था उसमें जो फैटी मटेरियल होते हैं, फैटी मटेरियल जो होते हैं या प्रोटीन से जो रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं, वो प्रोटीन से रिलेटेड मटेरियल अगर वहाँ नहीं निकलेंगे तो यहाँ पर जब हम कुछ टाइम के लिए रख देंगे तो वही फैटी मटेरियल हमारे कपड़े ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करवा के कपड़े को क्या कर देते हैं, पीला कर देते हैं. क्लियर. ये होता है. तो हमारा जो कपड़ा है वो टेंडेंस हो जाता है येल्लो की तरह, मतलब हल्का सा येल्लो इस टाइप का दिखने लगता है. फिर हम क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं इसको, या तो अगर आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है तो इसको फिर से ब्लीचिंग करेंगे या फिर इस पर ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का यूज कर देंगे तो थोड़ा सा कपड़ा और चमकदार हो जाता है. क्लियर. दीज आर ऑल अबाउट द हाइड्रोजन परऑक्साइड का इंट्रोडक्शन था ये. अब मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि हाइपोक्लोराइड ब्लीच क्या होता है,
और पीएच का ध्यान दीजिएगा, पीएच पे ध्यान दीजिएगा, कॉटन के लिए 10 से 11 पीएच होता है और हमारा वुल और सिल्क के लिए जो हमारा पीएच होता है वो लगभग 8 से 9 तक होता है, ठीक है। तो मैं इस पर पूरा मतलब एक छोटा सा वीडियो आता बट मैं देखूंगा, अगर आपको इंपॉर्टेंट होगा तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको इस पर वीडियो दे दूंगा। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई वीडियो मतलब कोई और क्वेश्चन होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब किया करिए, और अगर टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आता आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।